कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेस के साइन पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं साइज लिखूँगी 1080। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करूँगी। फिर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक पेज शो हो जाएगा। मैं प्रेस के साइन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन्स एंड शेप्स का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ से आपने शेप और लाइन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे एलिमेंट्स में, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फ्रेम्स शो हो जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करूँगी। चलिए, ये मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। अगर मैंने इस पर इमेज लगानी है तो फिर मैं इसको प्लस के साइन पे जाऊंगी, यहाँ पे फोटोज़ में जाऊंगी और यहाँ पर मैं कोई एक सिलेक्ट करूंगी। चलें, सपोज मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली। फिर इसको जो है हाथ से आप ड्रैग करेंगे तो इसके अंदर ये फिक्स हो जाएगी इमेज। इसको एडजस्ट करना है अगर तो इसको डबल क्लिक करें और जहाँ पर आपने एडजस्ट करनी हो उसको कर लें। ठीक है, ये फ्रेम हो गया। उसके बाद मैंने आपको शेप्स का भी बता दिया कि किस तरह से आपने शेप्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता था यहाँ पे, मैं प्लस के साइन पे जाऊंगी, एलिमेंट्स में जाऊंगी और यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ ग्रेडियंट। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रेडियंट शो हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है इस तरह से इमेज को जो है हम एडिट करते हैं, ये उसी तरह है। प्लस के साइन पे जाऊंगी, यहाँ पर मैं जाऊंगी फोटोज में, कोई एक इमेज सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद मैं इसका साइज जो है एडजस्ट करूंगी जहां तक ये ग्रेडियंट आता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। उसके बाद इसको मैं कर देती हूँ सेंटर बैक। डॉट्स पे जाकर इसको करना है सेंटर बैक और उसके बाद मैंने करना है एक ग्रेडियंट को सिलेक्ट और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कर देती हूँ 50 पे। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन था पैटर्न का, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में जाऊंगी। मेरा नेट स्लो है। चलिए, ये मैं एलिमेंट्स में गई, यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ पैटर्न्स। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता देती हूँ कि अगर हम ग्राफिक्स से पैटर्न सेलेक्ट करते हैं तो उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया है तो मैं कलर्स में जाऊंगी और यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ब्लैक कर देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो मैंने ग्राफिक्स से लिया था। अगर मैं यही पैटर्न लेती हूँ फोटोज़ में से, तो यहाँ फोटोज़ में भी पैटर्न आप हमारे पास शो हो गए हैं। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, ये मैंने एक ले लिया, तो इसका कलर आपके पास चेंज नहीं होगा। वो हम एडिट कर सकते हैं लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हो सकता। तो इस यहाँ से फोटोज़ में से पैटर्न नहीं लेना आपने, आपने ग्राफिक्स से लेना है। और उसको फिर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपने लगाना है पैटर्न। उसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कर देती हूँ, चलें ये मैंने 10 पे कर दी। और इसको मैं कर देती हूँ 3 डॉट्स पे जाकर सेंटर बैक, इस तरह से। चलें, ये भी हो गया। उसके बाद मैं जाती हूँ वापस एलिमेंट्स में और यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ बैकग्राउंड, नहीं सॉरी, बॉर्डर्स। तो यहाँ फोटोज में भी बॉर्डर्स शो हो गए। मैंने वहां से नहीं लेना, मैंने ग्राफिक्स से लेना है क्योंकि मैंने कलर्स चेंज करने हैं। तो मैंने यहाँ से कोई एक सेलेक्ट करना है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो चलें, ये मैंने एक ले लिया। सपोज मैंने आपको दिखाने के लिए एक ले लिया है तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर जो है पिंक और ब्लू कर देती हूँ, ये इस तरह से। तो ये आप जो है इस तरह से बॉर्डर्स लगा सकते हैं अपने डिज़ाइन में। अच्छा, यहाँ पर ये मैं लगाती हूँ बॉर्डर्स, सॉरी पैटर्न, तो मैं इसको लॉक कर देती हूँ ताकि ये कहीं भी जो है मूव ना हो। तो इस तरह से आप जो है लगा के आप उसको लॉक करते जाएंगे तो आपका फिर डिज़ाइन फिर मूव नहीं होगा कहीं भी। फिर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा बनाने में,
जो भी आप कंप्लीट कर लें उसको फिर लॉक करते जाएं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन आता है लॉक का, तो मैंने इसको लॉक कर दिया। तो फिर आप देख सकते हैं कि कोई भी जो है मूव नहीं हो रहा। तो इस चलें आपको फिर समझ आ गई होगी, अगर नहीं आती तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thank you.